जबलपुर सांसद और जिला कलेक्टर ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बाजना मठ स्थित संग्राम सागर तालाब का निरीक्षण किया। साथ ही बताया कि पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए संग्राम सागर तालाब को विकसित किया जाएगा। तालाब के आसपास फैली गंदगी को साफ किया जाएगा। नगर निगम और स्मार्ट सिटी तालाब को विकसित करने का कार्य करेंगे। स्वाभाविक है कि इसको जब हमने शुरू किया था तो लगभग उस समय लोगों ने कहा था कि कहाँ गंदगी का ढेर है, कहाँ जा रहे हो आप वहाँ जी। लेकिन आज ये बिल्कुल बदले हुए स्वरूप में है, क्योंकि लोगों को अभी इसकी मार्केटिंग ठीक से हो नहीं पाई है। इसके कारण थोड़ा आवागमन कम है। एक बार मार्केटिंग भी इसकी हो जाएगी, अब इसको तय किया है, एजेंडे पे लेकर इस पर काम करेंगे। और कलेक्टर महोदय से, नगर निगम कमिश्नर महोदय से बातचीत हुई है, वो लोग भी इस पर लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे और इसको सुनिश्चित करेंगे कि अब की बार जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो रहा है वो मेंटेन रहे। काफ़ी सारे काम यहाँ आपने नीचे देखा होगा कि वो इसको जोड़कर ही किए गए थे, लेकिन अभी इसका पार्ट नहीं लगते हैं। वो सब इसका पार्ट लगें, एक साथ लगें, ताकि एक बहुत अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ये विकसित हो। माननीय सांसद महोदय ने ना कल हम लोग के ना जैसे डिस्कशन किए थे, आज का ना यहाँ का विजिट तय हुई थी संग्राम सागर का। बहुत ही ना खूबसूरत और ना बहुत ही सुंदर ना प्राकृतिक ना एक शानदार है ना प्लेस है ये। जबलपुर की सिटी के लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छा है ना आउटिंग प्लेस भी है, और टूरिज्म के ना पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी स्कोप है इधर। इसमें काफ़ी अच्छा काम पहले से हो गया है, काफ़ी कुछ काम हुआ है, व्यवस्थित हुआ है, और इसमें ना कुछ एडिशन ना बाकी है, थोड़ा सा मेंटेन हमको करना है। जैसे कि ना बेंचेस से लेकर थोड़ा सा पाथवे को और ठीक करने से लेकर पाथवे का एक्सटेंशन, और थोड़ा सा तालाब की साइड पर और थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ ब्यूटिफिकेशन और लाइट्स। उसके अलावा है ना स्मार्ट सिटी का भी है ना इसमें काम चल रही है, वो काम भी थोड़ा सा है ना आई थिंक थोड़ा सा 1.5 साल से चल रही है। उसका भी अभी हम लोग है ना निरीक्षण करके उसके ठेकेदार को है ना जल्दी डायरेक्शन देंगे कि मतलब उनके द्वारा भी है ना कितने भी काम होना है वो पूरा कंप्लीट हो। और एक कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह है ना शुरू करने के लिए ना हम लोग है ना उसी दिशा में भी, कैफेटेरिया ऑलरेडी बनी हुई